अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस इलियास और आप देख रहे हैं MAITV। आज मैंने अपने दोस्तों के साथ एक टॉपिक पे बात करनी थी कि भारत ने हमें जो धमकी दी है, इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, ये जवाब हमें पहले देना चाहिए था, लेकिन चले देर है दुरुस्त है। लेकिन अब एक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी कि भारत हमारे मुल्क को धमकी दे तो उसका जवाब बनता है, आप सब यही सोच रहे होंगे कि ठीक किया उन्होंने, बनता भी यही है, ठीक है उसके धमकी को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इधर एक सवाल ये है कि हमारे नज़दीक हमारे मुल्क की अहमियत ज़्यादा है या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत ज़्यादा है, ठीक है ये बात पहले ये अपने दिल में इसका जवाब दे दें कि हमारा मुल्क ज़्यादा अहमियत का हामिल है या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदके हमें ये मुल्क मिला, ठीक है पहली बात। तो अब बात ये है कि इंडिया ने हमारे मुल्क को धमकी दी, इमरान खान उसके ऊपर बोला है, और PTI के जो कारकुनान हैं, जो लवर हैं, उन्होंने बहुत उछाला, अच्छा किया कि यार देखो इमरान खान ऐसे जवाब दे दिया, इमरान खान ऐसे अच्छी बात करना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मसला नमूस रसालत हुआ था, हॉलैंड का गैरेट वेल्डर, उसने कहा कि मैं खाके बनाऊंगा, तब इमरान खान किधर था? इमरान खान नहीं था बोला, ना को PTI का बोला था, ठीक है, और उसने कहा मैं खाके बनाऊंगा, उसने ऐलान किया था, ठीक है। और इधर मोदी ने क्या कहा है कि हम ऐसे कर देंगे, तो इमरान खान ने क्या कहा है कि हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है, मतलब यही था, ठीक है, उसने ये बात की है। तो यही बात वो उसको भी कह सकता था कि भाई तुम खाके बनाओ तो सही, जंग हो जाएगी, तो कहा है किसी ने, किसी का बयान आया हो, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, ये एक मेरा माइंड में क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ शेयर करना था, ठीक है, कि ये जो लोग हमारे मुल्क की हिफाजत की बात करते हैं वो कुछ करते हैं दिल से, लेकिन ज़्यादातर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मफादात, उनकी याशियाँ इस मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, इसलिए वो सिर्फ मुल्क की हिफाजत की बात करते हैं और मसला नमूस रसालत के ऊपर वो बात नहीं करते। ये मेरा छोटा सा मैसेज था, प्लीज़ सोचिएगा ज़रूर, शुक्रिया। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब या बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक भी कर ले, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।